सो गाइस, अभी जो आपने वीडियो देखा वो वीडियो अभी नया नया इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में आना स्टार्ट हो गया है और काफी भाई लोगों को पता नहीं ऐसे वीडियो कैसे किया जाता है। सो अगर आप भी ऐसी वीडियो बना के वायरल होना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और गाइस, जितना ये वीडियो देखने में हार्ड लग रहा है उतना है ही नहीं, जस्ट वन क्लिक में हो जाता है। हाँ, बताता हूँ, पहले तुम्हारे भाई के चैनल को सपोर्ट तो करो यार। तो गाइस, चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है एंड यहाँ सर्च बार पर सर्च करना है एलाइट मोशन एंड इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में पहले से है तो मैं और नहीं कर रहा, सो चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, आपको एप्लीकेशन को ओपन करके किसी भी ईमेल से लॉगिन या साइन इन कर लेना है। देन गाइस, लॉगिन करने के बाद छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, सीधा चले आना है क्रोम ब्राउजर में एंड इस सर्च बार पर सर्च करना है संतोष आरसी। तो जैसे ही सर्च करते हैं इसे बहुत सारी वेबसाइट ओपन होकर आ जाती है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपली इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। देन गाइस, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। देन गाइस, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसमें क्लिक करके सर्च करना है रील 113, कुछ इस तरह लिख के सर्च कर देना है। देन गाइस, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह आएगा। तो गाइस, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, नेम आर्ट एडिट। सो इसमें अगेन क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही कुछ सेकंड के लिए एक एड आएगा, तो उसको देख लेना है। तो चलिए, मैं एड को स्किप कर दिया हूँ। देन गाइस, पेज के कुछ इस तरह नीचे तरफ आएंगे तो लिखा हुआ रहेगा यहाँ फुल प्रोजेक्ट एंड गाइस देख सकते हो उसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, सो उसमें सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करते हो आप डायरेक्टली एलाइट मोशन एप्लीकेशन में ओपन हो जाओगे। देन कुछ इस तरह आएगा, तो इस क्रॉस पर क्लिक कर देना है। देन गाइस, फिर से एक छोटा सा ऐड आएगा, तो उसको देख लेना। देन उसके बाद गाइस, एक प्रोजेक्ट करके लिखा हुआ आएगा एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट, तो उसमें सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं इम्पोर्टिंग होने में स्टार्टिंग हो जाएगी। तो गाइस, इम्पोर्ट हो जाने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। सो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सो अभी आप देख सकते हो पूरी प्रोजेक्ट बन के आ गई है। तो गाइस, टाइमलाइन पर क्लिक करके कुछ इस तरह स्क्रॉल करना है और गाइस, यहाँ जो मधुकर का नाम लिखा हुआ है उसमें सिंपली क्लिक कर देना है एंड उसके बाद नीचे एडिट टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, सिंपली उसमें क्लिक कर देना है। देन अभी आप गाइस, जिसका नाम में बनाना चाहते हो, इस टेक्स्ट को रिमूव करके आप अपना नाम लिख सकते हो या किसी का भी नाम लिख सकते हो। तो मैं चलो कोई रेंडमली नाम लिख देता हूँ, तो मैं लिख लिया हूँ राघव। तो गाइस, फॉन्ट को चेंज करने के लिए इसमें सिंपली क्लिक करेंगे। देन गाइस, यहाँ व्यू ऑल्स फॉन्ट करके लिखा हुआ रहेगा, उसमें क्लिक करके आपका जो भी मनपसंद फॉन्ट्स है उसको ऐड कर सकते हो। तो चलिए, मैं एक ऐड कर लिया हूँ। तो गाइस, सब कुछ हो जाने के बाद अभी मैं थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, देख सकते हो, है ना एकदम गजब वाली। सो गाइस, अभी इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर इस एरो में क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। और गाइस, वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे एक सेव का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कर देना है, तो आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो बस इतना ही, बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट।